वेलकम टू मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता फ्रेंड्स। और आज मेन्यू कार्ड के किचन की रेसिपी है पालक और पनीर का बनने वाला एक कोफ्ता, जिसे कि साम शबेरा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, रेस्टोरेंट और ढाबे में मिलता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए मिलके बनाते हैं शाम और सवेरा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो पालक के कोफ्तों के लिए हमने पालक ले लिए है, हमने 250 ग्राम पालक ली है। आपके यहाँ जितने भी लोग हों उस हिसाब से आप पालक ले सकते हैं। हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और एक भगोने में हमने पानी चढ़ा दिया है और उसमें हल्का सा नमक और आधा चम्मच शक्कर डाल के ये पालक के पत्ते डाल दिए हैं और 1.5 मिनट तक इनको बॉयल किया है। इसके बाद हम इनको आइस कोल्ड ठंडे बिल्कुल पानी में डाल देंगे, जिससे कि पालक का कलर ख़राब नहीं होगा और इनका कलर वैसे ही ग्रीन बरकरार रहेगा। और इनको आधा घंटा तक इसमें पड़ा रहने के बाद इसको एक स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, इसको हमको बेसिकली जो है चॉप्ड करना है महीन महीन। आप चाहें तो चॉपर में या चाकू की सहायता से कर सकते हैं, मिक्सर में इसलिए नहीं करिएगा वरना ये पानी छोड़ देगा तो कोफ्ता बनाने में बहुत ही परेशानी होगी। तो मैंने थोड़ा सा चॉपर में किया था, उसके बाद जो है चाकू से कर लिया है तो ये बिल्कुल महीन महीन टुकड़ों में कट गया है। तब तक इसके ग्रेवी के लिए हम प्याज को कैरमलाइज कर लेते हैं। हमने ऑयल लिया है और उसमें पतला पतला लंबा प्याज काट लिया है और इसको हम थोड़ा बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन इसको ब्राउन करके उसका एक पेस्ट बनाना है। यदि आप चाहें तो आप नॉर्मल प्याज की ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबे के स्टाइल की तरीके से आता है। तो मैं आज जो हूँ ब्राउन ओनियन का ही पेस्ट इस्तेमाल करूँगी अपने कोफ्तों की रेसिपी के लिए। प्याज को बहुत ज़्यादा कैरमलाइज नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है बट ब्राउन करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा प्याज बिल्कुल परफेक्टली ब्राउन, जैसा कि हम लोगों को चाहिए बिल्कुल वैसा हो गया है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं और ठंडा होने पर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं बनाना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पालक भी चॉप्ड हो गई है बिल्कुल महीन महीन। एक बार पहले भी निचोड़ना है और उसके बाद चॉप्ड करने के बाद भी इसको कस के दबा के इसका पानी निकाल देना है, जिससे कि जो है कोफ्ते बनाने में हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। यदि थोड़े से भी बड़े डंठल वगैरह रह गए हों तो उनको आप चाकू से महीन महीन चॉप कर लीजिए, जिससे कि वो मुँह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने पहले चॉपर से पालक को चॉप किया था, अब हम चाकू की सहायता से इसको चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा पर आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम पानी पहले भी निचोड़ के निकाल चुके हैं और इसके काटने के बाद इसमें फिर से पानी निकलेगा और इस पानी को फेंकना नहीं है हमको। इसको हम बाद में ग्रेवी में यूज़ करेंगे, बहुत ही पौष्टिक पानी है, इसको वेस्ट मत करिएगा। तो एक प्लेट ले ली है हमने, इसमें हम अपने चॉप्ड पालक डालेंगे और जो है आवश्यकता अनुसार इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह भुने हुए बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिलाइए। 250 ग्राम पालक के लिए हमको 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लगा था, आपको जितनी आवश्यकता हो पहले थोड़ा मिलाइए और मिक्स करके देख लीजिए, आपको अंदाज़ हो जाएगा कि ये कोफ्ता जो है अब तेल में जाके फटेगा नहीं। उस हिसाब से बेसन या कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए। 250 ग्राम पालक में दोस्तों 4 बड़े कोफ्ते बन जाते हैं, बाकी आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस हिसाब से आप जो है पालक का ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी स्टफिंग के लिए थोड़ा सा हमने पनीर ले लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है और इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच काजू का पाउडर और 1 चम्मच खोए का यूज़ करेंगे,
खोए की जगह पर आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही बिल्कुल हल्का सा नमक और इसमें आधा चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा दो चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। बहुत सिंपल सी स्टफिंग तैयार होगी, क्योंकि जो है हमारा कोफ्ते की जो ग्रेवी होगी वो काफ़ी मसालेदार स्पाइसी होगी, तो अंदर की स्टफिंग को हमको बहुत ही सिंपल रखना है, वरना बहुत ज़्यादा मसालेदार हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, वरना केवल काली मिर्च का पाउडर ही ऐड कर दीजिए। इन सभी को मिक्स करके कोफ्तों की फिलिंग के लिए छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपने कोफ्तों की स्टफिंग के लिए बॉल्स तैयार कर लिए हैं। पालक वाला मिक्सर लेंगे और इसको फ्लैट करके इसके बीच में पनीर वाला मिक्सर रख के इसका एक बॉल तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि जो है पता लगता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है। और इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इन कोफ्तों को बनाने के लिए आज हम लोहे के पैन का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, ढाबे में मोस्टली आपने देखा होगा कि लोहे के बर्तनों का यूज़ होता है, लोहे के बर्तनों की सब्जियों का टेस्ट भी अलग आता है, तो आज हम इसको बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का यूज़ करेंगे। हमने ऑयल ले लिया है और इसमें अपने कोफ्ते डाल के इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप लोग फ्रेंड्स पालक पनीर के अलावा पालक से और क्या क्या रेसिपी बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए देखिए, हमारे कोफ्तों पर भी गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, ग्रीन होने के कारण पता नहीं चल रहा है। पालक में दोस्तों नमक का यूज़ कम किया जाता है, वरना ये ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल रहे हैं, जिसमें इलायची, लौंग, तेज पत्ता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी और जावित्री है। साथ में हमने थोड़ा सा रतनजोत कलर के लिए ऐड किया है, और इसके साथ ही जो भुना हुआ प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज भुना हुआ था तो ग्रेवी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी। सारा पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए तुरंत ही ऑयल रिलीज करने लगी, क्योंकि जो है इसको हमने फ्राई किया हुआ था तो इसमें कच्चापन नहीं रह जाएगा। अब जो है हम इसमें एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें बेसिक मसाले, एक चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार मिर्च लाल और एक चम्मच धनिया पाउडर का यूज़ करेंगे और इनको मसालों के साथ में मिलके भून लेंगे। जब मसाले भून जाएंगे फ्रेंड्स, तब इसमें हम एक टमाटर यूज़ करेंगे। हमारा टमाटर देशी टमाटर है, जिसमें खटास होती है। यदि आपका हाइब्रिड टमाटर है तो उसके साथ में आप एक चम्मच दही का भी यूज़ ज़रूर करें। टमाटर को भी हमने रफली चॉप्ड किया है, बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाया है, और इनको अच्छे से भून लेंगे। और इसके साथ ही इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक
ऐड करने के बाद जब मसाला थोड़ा सा ऑयल रिलीज करने लगे तब हम इसमें एक चम्मच काजू पाउडर का यूज़ करेंगे और साथ ही एक चम्मच खोए का भी यूज़ करेंगे। दोनों ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें, टेस्ट अच्छा आता है इन दोनों को ऐड करने से, थोड़ा सा रिच टेस्ट हो जाता है। खोया डालने के बाद आप इसको 5 से 7 मिनट भून जरूर लें धीमी आंच पे, वरना खोया कच्चा रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रतन जोत का बड़ा सुंदर सा कलर आया है। इसमें हमने कोई कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, फिर भी रतन जोत के कारण इसका अच्छा सा कलर आया है। अब हमने इसमें एक चम्मच टमाटो सॉस यूज़ किया है, इससे थोड़ा सा रेस्टोरेंट वाला लुक आ जाएगा और स्वाद भी आएगा। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं पसंद है तो मत डालें। अब हमने इसमें एक चम्मच काजू पाउडर ऐड किया है, ये भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच वाइट विनेगर और आधा चम्मच सोया सॉस का भी यूज़ करेंगे, इससे जो है कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। वाइट विनेगर जो है सब्ज़ी के टेस्ट को इन्हेंस करता है, बहुत थोड़ा सा वाइट विनेगर का यूज़ ज़रूर करें। अब इसमें जो पालक हम लोग ने बॉयल की थी वो पानी डाल के इसकी ग्रेवी लगा लेंगे। ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी मत करिएगा क्योंकि कोफ्ते हैं तो थोड़ा सा पानी लेंगे ही। और इसको बॉयल आने पर धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट पका लेंगे और फिर इसकी हम प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी शाम सवेरा रेसिपी तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और आपने हमारी रेसिपी देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।